हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला महासचिव शंभूराम जसवाल द्वारा किया गया। चर्चा में भाग लेने वालों में संघ संस्थापक एवं पूर्व संरक्षक बीडी शर्मा, प्रदेश महासचिव योगराज शर्मा, उप प्रधान सुभाष शर्मा, जिला वरिष्ठ उप प्रधान रंजीत सिंह ठाकुर, भोरंज प्रधान बलदेव दास शर्मा, टौणीदेवी खंड प्रधान आदि प्रमुख रहे। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों के बारे में प्रदेश इकाई द्वारा भेजे मांग पत्र के बारे में अवगत करवाया गया, जिस पर प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा चर्चा कर विस्तार से बताया गया कि मांग पत्र 30 जुलाई को सरकार को भेजा गया है और मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हेतु 8 अगस्त का समय मिला था, जो बाद में उनकी व्यवस्था की वजह से रद्द हो गया है और पुनः मिलने बारे सचिवालय से संपर्क किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेंशनरों की समस्याओं तथा संघ की गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में सरकार से घोषित 4% अंतरिम राहत व जनवरी से महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने के बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी करने की आग्रह किया गया। जिला प्रधान द्वारा हमीरपुर जिला के सभी ब्लॉकों में विभिन्न स्थानों में जाकर 593 पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें घर के नजदीक सुविधा दी गई है और इसमें लगभग 100 ऐसे पेंशनरों को जो चलने में असमर्थ या बीमारी की वजह से बिस्तर में है तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में संतोष प्रकट किया। अगस्त माह के कार्यक्रम में 16 अगस्त को बिजड़ी खंड की गारली में होने वाली बैठक में जीवन प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, जबकि अन्य खंडों से सूचना आने पर वहां भी कार्यक्रम रखे जाएंगे। हिमाचल पेंशन संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक पेंशन भवन में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, विशेषकर पेंशनों की मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। हाल ही में प्रदेश इकाई द्वारा पेंशनों की मांगों के बारे में जो कई चिरकाल से लंबित मांगे थी, उनके बारे में सरकार को जुलाई 30 को एक मांग पत्र सरकार को भेजा गया था, जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों द्वारा विस्तार से उपस्थित पदाधिकारियों व पेंशनरों को जानकारी दी। इसके अतिरिक्त जिला में चल रही गतिविधियों बारे उपस्थित पदाधिकारियों पेंशनरों को अवगत कराया गया। विशेषकर जुलाई मास में पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए जाने के कार्यक्रम हर ब्लॉक में जाकर ऐसे लोगों को सुविधा दी गई, जो लोग जो पेंशनर चलने फिरने में अस्किनी कारणों से असमर्थ रहे हैं या बिस्तर में बीमारी के कारण हैं, उनके उनके घर द्वार जाकर ये सुविधा दी गई है। और पूरे जिले में जुलाई मास में 593 के लगभग पेंशनरों को सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त अगस्त मास के कार्यक्रम भी आज बैठक में डिस्कस किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 16 अगस्त को बिजड़ ब्लॉक के गरली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के कार्यक्रम रखा गया है। और उसके अतिरिक्त अभी भोरंज खंड इकाई की भी ये मांग आई है कि उनके भी कुछ पेंशनर जो हैं वो बिस्तर में हैं, तो उनके भी कार्यक्रम जो जीवन प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे और उनको भी डेट सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार से आज उपस्थित पेंशनरों द्वारा ये मांग उठाई गई है कि जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4% आईआर का जो उन्होंने घोषणा की थी और उसका बजट प्रावधान भी किया गया है, वो शीघ्र अतिशीघ्र उस बारे में जो है अध्यादेश जारी किया जाए, अधिसूचना जारी की जाए। इसके अतिरिक्त जनवरी से पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त भी दे है, उसके भी उसकी भी अधिसूचना करने की मांग उठाई गई है। जय।